तो गाइस मैं यहाँ पर डिनर करने बैठी थी और ये जिक्रा आ चुकी है अपने बिलाल मामा के साथ और ये जिक्रा पहन के आई है तिरंगा चूड़ी अपने मामा के साथ। दिखाओ जिक्रा चूड़ी है, दिखाओ चूड़ी, दिखाओ अपनी जिक्रा, ये तुम्हारी है। और ये बिलाल लाए हैं अम्मी के लिए भी चूड़ी है और ये लाए हैं मेरे लिए। यहाँ पर अम्मी को हो रहा है सर दर्द। दादे तो दादी जी चूड़ियाँ चूड़ियाँ। हाय अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुरैशी फैमिली। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं आ चुकी हूँ अम्मी के घर पर, ये बैठी हुई हैं अम्मी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं रात ही आ गई थी, जिक्रा आ गई थी मुझसे भी पहले क्योंकि बिलाल लेकर आ गया था इसे मेरे घर जाकर। और बिलाल मामा ने पिनाई हैं जिक्रा को चूड़ियाँ, दिखाओ ये देखिएगा तिरंगा की। और वो हमारे लिए भी लाया था, ये देखिए चूड़ियाँ बिलाल पिनाता हुआ लाया था इसे अम्मी के घर पर। मैं आ गई थी रात में 11 बजे क्योंकि अम्मी की हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इनको हो रहा है फीवर और बस सारी रात सही नहीं रही इनकी तबीयत। तो अब खिला रहे हैं हम बच्चे अम्मी के घर पर क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और बस फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या करते हैं। जिक्रा रात ही आ गई थी, वो क्लिप आप आगे देखेंगे। खेल रही है ना जिक्रा, मामा ले आए थे तुम्हें। चूड़िया कौन लाया, चूड़ी कौन लाया, चूड़ी आपकी मामा। चूड़ी कौन लाया जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा मामा को थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू। ये अपनी मर्जी की है बस, बहुत बोलना सीख गई है जिक्रा, बहुत ज़्यादा बोलना सीख रही है अभी, थोड़ी थोड़ी ज़बान उसकी साफ़ हो रही है तो वक्त से पहले ही ज़बान साफ़ होने लगी। वैसे तो उसकी बहुत बोलती है। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे काफ़ी क्वान्टिटी में ये गोश है, देख रहे होंगे आप सब, ये हमारा 5 से 6 किलो गोश्त है। ये देखिएगा ये हड्डी वाला डकरी वाला और ये ज़बान भी है, ये मिक्स गोश है हमारा बिरयानी का, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है आप देख रहे होंगे। और ये ही हमारे बासमती चावल हैं, ये हमारे 5 किलो चावल हैं बासमती, ये देखिएगा। तो चलिए आगे की दिखाती हूँ, अप्पी आ रही हैं अभी, देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। बच्चों की मस्ती चालू है, बच्चे आ चुके हैं अप्पी के भी पहले ही। तो चलिए जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस यहाँ पर अप्पी आ चुकी हैं घर से अपने और इन्होंने भी तिरंगा पहनी है, बिलाल इनकी भी लाया था तिरंगा चूड़िए। तो हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुरैशी फैमिली। तो आज मेरे आने से यहाँ पर मेरे आने से पहले ही ब्लॉग स्टार्ट हो गया है जो इकरा ने कर लिया है क्योंकि मैंने घर से स्टार्ट नहीं किया था, मैं जल्दी में आ रही हूँ बस, तो मैं इसलिए आप सलाम कर रही हूँ। बता दिया हम क्यों आए हैं, बता दिया अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे खिलाया जा रहा है। और ये जिक्रा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जब भी कुछ चीज़ होती है या मैं कुछ मुझे कुछ कुकिंग करनी होती है ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है मेरी बच्ची। नहीं नहीं तो गाइज शाम का टाइम हो चुका है, तैयारियों में हम लग चुके हैं, प्रिपरेशन हो रही है बिरयानी की। बेटा एक मिनट, माऊ आ रही है इसमें। और बस हरी मिर्च देखिए कितनी ढेर सारी कटनी है, सामान वगैरह इकरा और मैं काटने में लगे हुए हैं सामान जिकरा। तो बस मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ बिरयानी की प्रिपरेशन वगैरह जो भी हो रही है, तो तैयारी चल रही है पकाने की।
एसी का पानी, एसी का। तो गाइस बच्चे खा रहे हैं बाहर, ये देखिए गा, आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए गा, बच्चे खा रहे हैं। यहाँ पर फबी खा रही है, फबी की बाइट देखिएगा आप, ये फबी की बाइट देख सकते हैं आप सब के, कितनी बड़ी बाइट लेती है ये। कंटिन्यू, ये आपको साइज दिखा रही है इतनी देर रखकर। और ये अम्मी बैठी हुई हैं, अम्मी ने बिरयानी नहीं खाई है क्योंकि अम्मी को हो रही है खांसी और बुखार, अम्मी चावल नहीं खाएंगी। उसने बड़े फिक्र के साथ मेरी मसूर की दाल बनाई है, ये बहुत फिक्रदार है मेरी परहेज की। दाल खाएंगी अम्मी। और यहाँ सो रहा है बिलाल, बिलाल उठ जा, दे दो भैया, दे दो दे दो दे दो, खड़ी हो जा, बुलाए जा। तो खाना वाना खाकर हो गया था, रात का टाइम है, अब खाए जा रहे हैं मोमोज, खा लो खा लो। तो फिर से वो पुलाव बनाइयो। हाँ ये देखिएगा आप, मिलते हैं हम आपसे मोमोज खाने के बाद, वरना सब लूट जाएंगे, सब खा जाएंगे, मैं ही रह जाऊंगी। तो गाइस खाना खाकर, मोमोज वगैरह खा के, पार्टी वगैरह हुई है यहाँ पर अभी, मोमोज की, आइसक्रीम वगैरह की, तो अब पी जा रही है चाय, जरा पतले हो रहे हैं ना इसलिए। तो हम लोग पी रहे हैं चाय, ये बैठे हैं अरशद और ये अरशान खेल रहे हैं। तो सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छे से निमट गया, बच्चे वगैरह सब खाकर, बच्चे वगैरह अच्छे से अब खाकर चले गए थे और बस सारा काम निपट गया है। हम भी अपने घर जा रहे हैं अब, तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग का। हाँ, और नया ब्लॉग मिलेगा वो कल का, वो मेरे घर पर है, कल इंशाल्लाह मेरे घर पर भी कुरान खानी वगैरह है, मौलाना वगैरह खाएंगे, तो मैं इसका सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी। मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।